दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम बात करेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही उल्लेखनीय रचना, प्रतिनिधि की रचना तुम क्यों लिखते हो। ये कविता अलग अलग विश्वविद्यालयों के कई पाठ्यक्रमों में है। मुंगेर विश्वविद्यालय के पार्ट थर्ड में, बीए पार्ट थर्ड के ऑनर्स पेपर में ये रचना पढ़ाई जाती है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस विषय पर, या आपको बताना भी चाहेंगे कि जो चीज़ें भारतेंदु हरिश्चंद्र 19वीं सदी में कह रहे थे कि आवो हो मिल के रोवो हो भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, एक चित्कार था मन में, एक बहुत पीड़ा थी मन में। कुछ सालों बाद, 10-15-20 सालों बाद द्वितीयों के कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें कि गांधी जी ने राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था, वे भी कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यहां भी एक व्यवस्था है, एक पीड़ा है जो हमारा समाज जिस तरह से बोझिल था कई कई समस्याओं से, उससे पीड़ित होकर एक कवि ये कहता है कि आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वो जिन्हें कहता है विचारने के लिए दिनकर, वहीं पर कुछ सालों बाद और आगे आकर कहते हैं, सवाल उठाकर कहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है, अशोक वाजपेयी कहते हैं कि दिनकर की भाषा में संबोधन है, मगर दिनकर की भाषा में संबोधन तो है ही, और इस कविता में जब देखें कि तुम क्यों लिखते हो कि जब बात करते हैं, तो इसमें जब देखें तो संबोधन के साथ साथ तीखा प्रश्न है, और प्रश्न भी कोई साधारण नहीं है, प्रश्न भी वह है जो कि उसके लेखकीय व्यक्तित्व से जुड़ता हुआ प्रश्न है, जो समाज के सृष्टा है, जो अपने को सर्जक कहते हैं, जो अपने को रचनात्मक कहते हैं, उन लोगों से ये बात है जिसके बारे में एक जगह दिनकर कटाक्ष के तौर पे कहते हैं कि नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। तो जो सर्जक हैं, जो प्रशासक हैं, जो कर्ता धरता है समाज के, जो समाज को चलाते हैं, उनसे सीधा प्रश्न करते हैं दिनकर। और जब प्रश्न करते हुए दिनकर बोलते हैं, खास करके उस रचनात्मक वर्ग से पूछते हैं कि तुम क्यों लिखते हो, तब एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो जाती है। असल में बहुत सारी समस्याओं से जो समाधान की ओर का रास्ता है, वह दिनकर इसी प्रश्न के साथ शुरू कर देते हैं, और जब शुरू कर देते हैं तब हमें उस परंपरा को आगे ले जाते हुए दिनकर दिखते हैं जो कि भारतेंदु ने शुरू की थी, और जो मैथिली शरण गुप्त जिस पर बात करते हैं, और वही बात को आगे ले जाकर दिनकर रख देते हैं। तो जब ऐसी पृष्ठभूमि में हम दिनकर को देखते हैं, राष्ट्र कवि के परंपरा का निर्वाह करते हुए, राष्ट्र के मूल मर्यादाओं की रक्षा करते हुए, तब यह कविता बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हम इसे जरूर जानें और समझें कि एक कवि के तौर पर दिनकर हमसे क्या चाहते हैं। एक राष्ट्र के संसाधन के तौर पर दिनकर हमें क्या पिरोना चाहते हैं, इसे देखने के लिए जरूरी है कि हम आइए कविता पाठ करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले कविता, फिर उसके बाद इसकी अलग अलग स्तरों पर व्याख्या करेंगे, ये किस तरह से सामयिक संदर्भों से जुड़ती है इस पर भी बात करें। तो शुरू करते हैं पहले कविता। कहते हैं कवि, तुम क्यों लिखते हो, क्या अपने अंतरतम को औरों के अंतरतम के साथ मिलाने को, अथवा शब्दों की तह पर पोशाक पहन जग की आंखों से अपना रूप छिपाने को, तुम क्यों लिखते हो। यदि छिपा चाहते हो दुनिया की आंखों से, तब तो मेरे भाई तुमने यह बहुत बुरा किया है। किसे फिक्र की यहाँ कौन क्या लाया है,
तुमने ही क्यों अपने को अद्भुत मान लिया है? कहने वाले जाने क्या क्या कहते आए, कहने वाले जाने क्या क्या कहते आए, सुनने वालों ने मगर कहो क्या पाया है? मत रही मनुज को जो अनंत जिज्ञासाएं, मत रही मनुज को जो अनंत जिज्ञासाएं, उत्तर क्या उनका कभी जगत में आया है? अच्छा बोलो आदमी, एक मैं भी ठहरा, अंबर से मेरे लिए चीज क्या लाए हो? अच्छा बोलो आदमी, एक मैं भी ठहरा, अंबर से मेरे लिए चीज क्या लाए हो? मिट्टी पर हूं मैं खड़ा, जरा नीचे देखो तो, मिट्टी पर हूं मैं खड़ा, जरा नीचे देखो तो, ऊपर क्या जिस पर टकटकी लगाए हो? तारों में है संकेत, चांदनी में छाया, बस यही बात हो गई सदा दोहराने की, सनसनी फेन बुदबुद सब कुछ सोपान बना, सनसनी फेन बुदबुद सब कुछ सोपान बना, अच्छी निकली यह राह सत्य तक जाने की। दावा करते हो शब्द जिसे छू लेने का, दावा करते हो शब्द जिसे छू लेने का, क्या कभी उसे तुमने देखा या जाना है? दावा करते हो शब्द जिसे छू लेने का, क्या कभी उसे तुमने देखा या जाना है? तुतले कंपन उठते हैं जिस गहराई से, तुतले कंपन उठते हैं जिस गहराई से, अपने भीतर क्या कभी उसे पहचाना है? जो कुछ खुलता सामने समस्या है केवल, जो कुछ खुलता सामने समस्या है केवल, असली निदान पर जड़े वज्र के ताले हैं, असली निदान पर जड़े वज्र के ताले हैं, उत्तर शायद छिपा हो मूकता के भीतर, उत्तर शायद छिपा हो मूकता के भीतर, हम तो प्रश्नों के रूप सजाने वाले हैं। तब क्यों रचते हो वृथा स्वांग मानो सारा, तब क्यों रचते हो वृथा स्वांग मानो सारा, आकाश और पाताल तुम्हारे कर में हो, मानो मनुष्य नीचे हो तुमसे बहुत दूर, मानो कोई देवता तुम्हारे स्वर में हो। कहते हैं तब क्यों रचते हो वृथा स्वांग मानो सारा, आकाश और पाताल तुम्हारे कर में हो, मानो मनुष्य नीचे हो तुमसे बहुत दूर, मानो कोई देवता तुम्हारे स्वर में हो। मिहिका रचते हो रचो, मिहिका रचते हो रचो, किंतु क्या फल इसका, मिहिका रचते हो रचो किंतु क्या फल इसका, खुलने के जोखिम से वह तुम्हें बचाती है, लेकिन मनुष्य की आभा और सघन होती, धरती की किस्मत और भर जाती है। धो डालो फूलों का पराग गालों पर से, धो डालो फूलों का पराग गालों पर से, आनंद पर से आनंद अपर हटाओ तो, आनंद पर से आनंद अपर हटाओ तो, कितने पानी में हो जग इसको भी देखे, कितने पानी में हो जग इसको भी देखे, तुम पल भर को केवल मनुष्य बन जाओ तो। सच्चाई की पहचान कि पानी साफ रहे, सच्चाई की पहचान कि पानी साफ रहे, जो भी चाहे ले परख जलाशय के तल को, सच्चाई की पहचान कि पानी साफ रहे, जो भी चाहे ले परख जलाशय के तल को, गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, जो जान बूझ गंदला करते अपने जल को, गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, जो जान बूझ गंदला करते अपने जल को। ये कविता है।
अब इस कविता को हम जिस तरह से भी देखें आगे तो इस पे समीक्षाएं चलती रहेगी, मगर ये बता दूं कि ये कविता 1950 में लिखी गई है। 1950 का वो दौर जब हमारा देश आजाद हो चुका था, जब हमारा देश स्वाधीन होकर उन विपदाओं से घिरा हुआ था, जबकि बंटवारे का दंश, विस्थापन का दंश, सांप्रदायिक भेदभाव, नरसंहार, आगे बढ़ने की चुनौती, इन सारी चीजों से ये देश पीड़ित था, बोझिल था और बहुत ही आशान्वित तरीके से भविष्य की ओर देख रहा था, तब ये कविता लिखी जाती है। और मैं इसके बारे में बताऊं कि जब ये कविता लिखी जाती है तो उस दौर में कवि ने, दिनकर जी ने एक और रचना लिखी थी, उसका नाम है रश्मि रथी। उसकी भूमिका में लिखते हैं दिनकर, लिखते हैं, कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूं उसे, यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है, अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मुख प्रतीक बनकर खड़ा है। ये कर्ण के बारे में लिख रहा है ऐसा, मगर जिस उपेक्षित और दलित उद्धार की बात करते हैं उसकी एक बेमिसाल बहुत बड़ी आबादी है इस देश में। 80% जनता उस समय भी बेहाल थी। दुष्यंत लिखते हैं 100 में 70 की बात करते, दुष्यंत 100 में 70 जो बेहाल लोग थे, दिनकर भी उसी की बात करते हैं और उसके लिए एक प्रतीक ढूंढ लाते हैं रश्मि रथी में, कर्ण का। तो इसी बात को हम आगे बढ़ते हुए कहते रहेंगे। मैं सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा छात्रों की, ये जो कविता लिखी गई इसका शीर्षक है तुम क्यों लिखते हो। तो जो कविता पे हम बात करें तुम क्यों लिखते हो, तो आपको याद आएगा कि जब आप अपने पाठ्यक्रम में जब ऋतकालीन रचनाओं को पढ़ते हैं, समीक्षाओं को देखते हैं, उस दौर की परिस्थितियों को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात वहाँ एक मुख्य विषय है हमारा काव्य प्रयोजन का, आप उसे पढ़ते होंगे। काव्य का प्रयोजन क्या होता है समाज में, उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत सघनता से चर्चा हुई है, रीतिकाल में ही चर्चा हुई है। तो रीतिकाल का जो समय था वो बहुत अलग था और जो आज़ाद भारत का समय है वो बहुत ही अलग है। और दिनकर तो एक वैसे कवि हैं जिसने गुलामी भी देखी है, आज़ादी भी देखी है, तो उनके लिए कविता के प्रयोजन का प्रतिमान बदल जाता है फिर, और जिस तरह बदल जाता है तब वहाँ नई बातें उभर कर सामने आती है। दिनकर के बारे में जब हम बात करते हैं उनके कवि परिचय पर भी, तब देखें कि दिनकर आते कब हैं साहित्याकाश में, दिनकर तब आते हैं जबकि छायावाद का दौर समाप्त हो चुका होता है, या फिर छायावाद से अलग हटकर वो बात करते हैं, जानबूझकर करते हैं। ये कविता अगर हम देखें गौर से तो उन सारे वादों पर प्रहार है जो कि पश्चिम से प्रेरित है, चाहे वो छायावाद हो, चाहे वो प्रगतिवाद हो, चाहे वो प्रयोगवाद हो। प्रगतिवाद का इस संदर्भ में विरोध है यहाँ, क्योंकि जब कोई कवि केवल विचारधारा लिखने लगते हैं तो वो सतही जान पड़ता है, और जब वो सतही जान पड़ता है तो उसके खिलाफ दिनकर जैसे एक सहज कवि के तौर पे कोई न कोई व्यक्ति तो आवाज उठाएगा ही, और वही उठाते हैं दिनकर यहाँ भी। तो सबसे पहले हम बात ये भी करें कि दिनकर का काव्य परिचय क्या है, कवि परिचय क्या है। मैं बगल में कवि परिचय दे दूंगा, इसे आप देख सकते हैं, और भी नेट पर भी उपलब्ध है, मगर मैं जिस बात पे अपनी राय रखना चाहता हूँ वो ये है कि किसी कवि का परिचय उसका समय का परिचय होता है असल में। तो जिस समय दिनकर आते हैं छायावाद के बाद, छायावादोत्तर युग काल में, खास करके उस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, जिसमें कि
तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी, और भी कई कवि हैं, मगर ये तीन का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। तो इनमें जब आते हैं तो ये किस तरह से उभर कर आते हैं, ये देखने वाली बात है। यहाँ दिनकर के काव्य में ये बात भी है कि हम उनके काव्य में श्रृंगार भी देखते हैं, वीर भी देखते हैं, क्रोध भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हाँ, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ, ये भी बात करते हैं, और प्रेम के लिए गिड़गिड़ाते भी हैं आगे के दिनों में, मगर जब लोक जीवन की बात होती है तब कवि कर्म की मूल लक्ष्य को वो खोजना चाहते हैं, और समाज के उन लोगों से भी उसे जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जो कि कवि कर्म में संलग्न थे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, या फिर सपना देख रहे थे ऐसा कुछ। तो इसमें जब उस दौर की परिस्थिति को देखें हम, तो छायावाद में बहुत ही घुमाकर जब बातें कही जाती थी, उसके कई कारण हो सकते हैं, सामयिक कारण, तो यहाँ पर दिनकर को ये चीजें नहीं रुचती है। और छायावाद के बहुत सारे कवि भी खुद छायावाद के धरातल से आगे बढ़कर प्रगतिवाद के में प्रगतिवादी प्रगतियों को लिखने लगते हैं, और उनकी रचनाएं उन बहुसंख्यक आबादी से जुड़ती है जिसके जिसका प्रतिनिधित्व उस समय प्रगतिवाद का दौर कर रहा था। प्रगतिवाद के कुछ ही दिनों बाद प्रयोगवाद की स्थितियां बनती है, अज्ञेय के नेतृत्व में तार सप्तक का प्रकाशन होता है, और अज्ञेय ये बात कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, प्रतीकों की बात होती है। प्रतीकों की जब बात करते हैं तो इसी प्रतीकबद्धता, इसी प्रतीक के पीछे भागने वाले लोगों पर ये कविता प्रहार करती है। इसको हम समझें कि कैसे दिनकर बनते हैं, दिनकर कैसे अलग हो जाते हैं, इन प्रतीक के वह डंबरों के पीछे नहीं भागते। आगे आगे कहते हैं, यो मैं कवि हूं, आधुनिक हूं, नया हूं, काव्य सत्य की खोज में कहां कहां नहीं गया हूं। तो अज्ञेय की बातें हो सकती है अपने जगह सही हो, वो एक चर्चा का अलग विषय है, मगर जो काव्य प्रतीकों के लिए जो भटकाव है वो दिनकर के यहाँ नहीं है। दिनकर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और उनके लिए जो काव्य वस्तु का विस्तार है वो काफी बड़ा है और सामने है, दिनकर उसी पर काम भी करते हैं और लोगों को ठीक से बताते हैं, ताकि उनके सामने जो समय है, परिस्थिति है, उस पे कवि बहुत गहराई से बात करना चाहते हैं, और इसीलिए इन सब की वो उपेक्षा कर कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में अपना योगदान देते हैं। तो कवि परिचय में और सारी बातें बाद में करेंगे। फिर हम एक चीज देखें कि इस कविता का जो शीर्षक है, मैंने पहले ही कहा था कि जो कविता का शीर्षक है वो काव्य प्रयोजन की ओर इशारा करता है, जहाँ की मम्मट को हम पढ़ रहे होते थे। मम्मट कहते हैं, काव्यम यश से कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षयते सदा परिनिभृतये कांतः सम्मित तयो पदेश युजे। मम्मट कहते हैं, काव्य के प्रयोजन में ये सारी बातें आती है। जब हम बात करते हैं कविता के उद्देश्य की, तो रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कविता क्या है अपने निबंध में, जिसपे जो लाइन है उनकी, जो लाइन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वो पंक्तियां हमें कहीं ना कहीं इस कविता को समझने में और भी ज्यादा प्रेरित करती है, इसलिए मैं उनके उस टिप्पणी को भी यहाँ रखना चाहूंगा, जिसके बाद साथ वो कहते हैं कविता क्या है शीर्षक निबंध में, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। आगे लिखते हैं, रागों या वेग स्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है।
गौर से देखिएगा, ये जो भी बातें हैं ये सारी बातें हमें कविता को समझने में मदद करेगी, इसलिए मैं इन सब बातों को रख के आपके सामने आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं शुक्ल जी, कहते हैं कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। देखते हैं कि शेष सृष्टि के साथ और कविताएं जुड़ती है कि नहीं, या ये कविता जुड़ती है कि नहीं। छायावाद भी जो बातें, छायावाद के समय में जो बातें कही जाती थी वे किस तरह जुड़ती हैं ये हमें पता है। प्रगतिवाद वाकई में बहुत बेबाकी से जनमानस की बात करता है, ये भी हम जानते हैं। मगर प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवियों से तब एक विशाल जनमानस का मोह भंग हो जाता है जब वे 1942 के आंदोलन में जो वाद और विचारधारा से प्रेरित कविताएं होती है, तो हम देखें कि 1942 के आंदोलन में प्रगतिवादी जो विचारधारा थी, मार्क्सवादी विचारधारा थी, वह आज़ादी के साथ खड़ी नहीं थी। और फिर लोगों का मोह भंग होता है और फिर प्रयोगवाद का उदय भी होता है। ये परिस्थिति है उस दौर की, और दिनकर भी उस समय देख रहे थे ये सब चीजें। तो आप गौर कीजिए कि ये नकलीपन जो है वो सतही था और सामने आ जाता है। विचारधारा जब सहयोग ही ना करती हो एक आजाद ख्यालों को सृजित करने में, तब तो उस नकलीपन पर प्रहार जरूरी होता है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा यहीं पे बलशाली हो जाती है और दिनकर इसकी को आगे लेकर ऐसी रचनाएं रचते हैं हमारे सामने। प्रयोगवाद में जैसा कि अज्ञेय पहले कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कुछ कर गए हैं, तो फिर वहाँ जीवन कहाँ है? प्रतीक है, कविता की कलाएं हैं। क्या कविता उसको कहते हैं हम? कविता साहित्य के लिए तो कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तेन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है जिसमें सब कुछ साफ साफ और जस का तस दिखे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे दूसरी तरफ नए प्रतिमानों को खोज रहे हैं। काव्य सत्य को पाने के लिए यहां वहां जा रहे हैं, कहां नहीं जाते हैं खुद कहते हैं। तो जीवन से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो बातें हम दिनकर में साफ गोई से देखते हैं। उस दौर के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर जो कवि आवाज बुलंद करते हैं, उनकी स्वरों में हम उन चीजों को देखते हैं। और तुम क्यों लिखते हो सीधा प्रश्न करते हैं उसी दौर में दिनकर, और जब कहते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को एक साथ लाते हैं प्रश्नों के घेरे में। धर्म को भी लाते हैं, विचारधारा को भी लाते हैं, और सत्ता को भी लाते हैं, विपक्ष को भी लाते हैं, तमाम तरह के हर अवयव को लेकर खड़े हो जाते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, व्यक्तिगत ईमानदारी की बात पूछते हैं उन सर्जकों से, उन रचनाकारों से जो कि अगुवा हैं। किसी न किसी सूरत से लोग उनके तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। तो इन चीजों की हम बात यहाँ करेंगे इस कविता में। तो अब आइए शुरू करते हैं हम एक एक करके कविता को समझना चाहें कि कविता क्या कहना चाहती है। एक एक स्टेंजे को लेंगे और उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं पहले स्टेंजे में, तुम क्यों लिखते हो? क्या अपने अंतरतम को औरों के अंतरतम के साथ मिलाने को? कहते हैं कवियों के बारे में कहा गया है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो उन गरीब भूखे नंगे अकाल ग्रस्त लोगों के अंतरतम से क्या तुम अपने अंतरतम को मिलाने की बात सोचते हो क्या? ये प्रश्न करते हैं दिनकर। तुम क्यों लिखते हो? क्या अपने अंतरतम को औरों के अंतरतम के साथ मिलाने को, अथवा शब्दों की तह पर पोशाक पहन जग की आंखों से अपना रूप छिपाने को? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो उस तरह की बात है। शब्दों का पोशाक पहनकर दुनिया को दिखाना कि वो कवि है, ये तो नकली बात हुई। कवि बनने के लिए अगर शब्दों की तह पर पोशाक पहनना होगा तब तो वो जनजीवन का कवि नहीं कहा जाएगा। तो यही है, ये नकलीपन पर का विरोध पहले ही पंक्ति में है।
सवाल के साथ है, आगे है। यदि छिपा चाहते हो दुनिया की आंखों से, तब तो मेरे भाई तुमने यह बहुत बुरा किया है। किसे फिक्र कि यहाँ कौन क्या लाया है, तुमने ही क्यों अपना अपने को अद्भुत मान लिया। जो श्रेष्ठता बोध है, अभिजातता का बोध है, ये एक कवि में अगर भरा हो तो वो कैसे आजादी की बात करेगा, वो दूसरों की अस्मिता की कैसे रक्षा कर पाएगा, ये सवाल है। और इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि इन नकलीपन का क्या उपयोग है आखिर, तुम अपने आप में भले ही श्रेष्ठ कहला जाओ, दुनिया के आंखों में धूल झोंक दो, हाँ तुम्हारे भीतर कुछ और बाहर कुछ तुम दिखाओ, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ये रचनाकार का दायित्व ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं है किसे फिक्र यहाँ कौन क्या लाया है, अगर ऐसा है भी, तुम अगर इस बोध से ग्रस्त भी हो तो किसे फिक्र है यहाँ कौन लाया है। हाँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग सत्य की बात कही है, सत्य तक पहुंचने वाला जो रास्ता है बिल्कुल अलग अलग रहा है। हाँ हर आदमी अपने को सत्य ठहराने पे लगा हुआ है, अपनी अनुभूतियों को सत्य कहने पे लगा हुआ है, मगर सवाल पूछते हैं कि यहाँ जो भी कुछ लाया है तो उसके बारे में तुम जो श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हो, तो क्या वो जनजीवन की सच्चाई से जुड़ती है, यहाँ सवाल है। ये तुमने अपने को अद्भुत क्यों मान लिया, क्यों अद्भुत मान लिए, तुम देवता सदृश क्यों बन गए, क्यों पीड़ित हो श्रेष्ठता बोध से ही अपने ही ग्रंथियों से। जब कोई कवि प्रयोगवाद की बात करता है, जब अपने व्यक्तित्व की बात करता है, द्वीप की बात करता है, तो सवाल कटाक्ष होना ही चाहिए इस तरह। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताऊं कि हम शिक्षक हैं और हमारा काम है तुलना करना और समय के साथ प्रश्नों को खड़े करना। हमें ये कतई भी हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि किसी को कम करके आंखें, किसी को ज़्यादा तवज्जो दे दें, ऐसा कुछ नहीं। मगर जब हम कविता पर बात करते हैं तो हमें उन परिस्थितियों पर भी बात करनी होगी। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय कवि हैं अज्ञे, और पूरा एक जो प्रयोगवादी समूह है हम उसको बहुत ही सुंदर विकल्प के तौर पर देखते हैं साहित्य में, और उसका एक अपना महत्व है। मगर हम इस कविता की जब बात करते हैं तो हमें उन बुनियादी बातों को ध्यान में रखना ही होगा जो उस समय से अलग रास्ते पे चल रही थी। देखिए आगे है। कहने वाले जाने क्या क्या कहते आए, सुनने वालों ने मगर कहो क्या पाया है। बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है आसमानों में, मगर जो सुनने वाले लोग हैं, जो पीड़ित मानवता है, उसने क्या पाया है तुम्हारी बातों में, क्या तुम्हारी बातों के छांव में उसे राहत मिली है, ये प्रश्न है। मत रही मनुष्य को जो अनंत जिज्ञासाएं, उत्तर क्या उनका कभी जगत में आया है। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, हमने आविष्कारों के तौर पे कुछ लोगों का नाम जानते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं, मगर जिज्ञासाएं कितनी हैं आप सोचिए। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सारी चीजें खोज ली गई है, मगर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे खोजा नहीं गया है। वो जिज्ञासाएं भूख की है, वो जिज्ञासाएं ज्ञान के भूख की है, वो सब कुछ वैसा है जो जिसका मनुष्य उत्तर चाहता है, और कभी क्या ऐसा उत्तर दे पाता है, ये प्रश्न है यहाँ पर। अच्छा बोलो तो आदमी एक मैं भी ठहरा, अंबर से मेरे लिए चीज क्या लाए हो। अच्छा बोलो तो आदमी एक मैं भी ठहरा, अंबर से मेरे लिए चीज क्या लाए हो। मिट्टी पर हूं मैं खड़ा, जरा नीचे देखो तो ऊपर क्या जिस पर टकटकी लगाए हो। ऊपर क्या है जिस पर टकटकी लगाए हो, कल्पना में क्या है जिस पर टकटकी लगाए हो, प्रतीकों में क्या है। ऊपर की जब बात होती है तो अध्यात्म की भी बात होती है, धर्म की भी बातें होती है,
जिस धर्म से पूरी एक आजाद होता हुआ जो भारत है हमारा, पूरा देश है उस समय का, वो कितना जल जाता है, उसी पर बात करते हैं यहाँ लेखक कवि। तारों में है संकेत, चांदनी में छाया, बस यही बात हो गई सदा दोहराने की। तारों में संकेत, हम ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, का कल्पना धर्म और भाग्यवाद से जुड़ते हैं। कहते हैं तारों में है संकेत, चांदनी में छाया। तारों में कल्पना में, चांदनी में कल्पना में, कभी खोता है। आगे है, सनसनी फेन बुदबुद सब कुछ सोपान बना, सनसनी फेन बुदबुद सब कुछ सोपान बना, अच्छी निकली यह राह सत्य तक जाने की। कभी कहते हैं कि सनसनी हो, समाज में किसी आतंक की सनसनी हो, या फिर कोई भूख से फेनिल मुख वाला हो, या फिर कोई ऐसे ही जो विकृतियां समाज में फैली है, उन सबको दर्शाने के लिए जो काव्य सत्य, काव्य बिंब की, जो काव्य वस्तु की जो जरूरत होती है कवियों को, वे सब सीढ़ियां बन जाती है उसके प्रसिद्धि की, कवि के प्रसिद्धि की। आगे लिखते हैं फिर कवि, दावा करते हो शब्द जिसे छू लेने का। जब कवि एक दावा करता है कि वह शब्द से जीता है, शब्द से खेलता है, तब कहते हैं कवि कि दावा करते हो शब्द जिसे छू लेने का, क्या कभी उसे तुमने देखा या जाना है। हम आप अध्यात्म में कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, तो शब्द से ब्रह्म की यात्रा तय की जाती है। तो ईमानदार अगर कोई कवि है तो ये पूछना चाहता है, क्या तुमने शब्दों की उस सत्ता को महसूस किया है क्या। लिखते हैं आगे, तुतले कंपन उठते हैं जिस गहराई से, अपने भीतर क्या कभी उसे पहचाना है। आप गौर कीजिए कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके पहले एक विचार की श्रृंखलाएं बनती हमारे मस्तिष्क में, और फिर वो विचार भी जहां से उठते हैं वो हमारा एक भाव सत्ता का धरातल होता है, जहां से विचार भी प्रस्फुटित होते हैं, विचारों से फिर शब्द बनते हैं। तो कभी ये पूछते हैं उस नकली शब्दकार से कि क्या तुमने उस तुतले कंपन को देखा है, क्या आपने भाव सत्ता पर, विचार सत्ता पर काम किया है, जो खुद बिल्कुल तुम्हारे भीतर का है, उसको कभी देखो, ये सोच कहते हैं। जो कुछ खुलता है सामने समस्या है केवल। देश में, समाज में, हर एक विश्व के कोने कोने में जो कुछ भी खुलता है वो समस्या है केवल। असली निदान पर पड़े वज्र के ताले हैं, निदान की कोई बातें कहीं दिखती नहीं, बहुत ही कम, मगर सवाल बहुत सारे हैं। उत्तर शायद छिपा हो मुक्तता के भीतर, जो जवाब है हो सकता है वो कोई मौन के भीतर उसका जवाब हो, मगर होता क्या है कि हम सवालों के शिल्प को तराशने में लगे होते हैं। कविगण, ये आक्षेप है दिनकर जी का कि हम तो प्रश्नों का रूप सजाने वाले हैं, हम केवल प्रश्नों का रूप सजाते हैं, हम मानवीय धर्म का निर्वाह कम करते हैं, ये सवाल है। आगे है, तब क्यों रचते हो वृथा स्वांग मानो सारा, आकाश पताल तुम्हारे कर में हो। कहते हैं कि ये स्वांग क्यों रचते हो, क्यों ऐसा है कि तुम्हारे बारे में कहा जाए कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अगर तुम जाकर पीड़ा के साथ खड़े नहीं होते हो, पीड़ित नहीं होते हो, केवल तराश रहे हो प्रश्नों को, सवालों को, तो फिर ये स्वांग क्यों है, जैसे कि मानो तुम्हारे हाथ में आकाश और पाताल भी हो। कहते हैं मानव मनुष्यता, मानव मनुष्य नीचे हो तुम से बहुत दूर, जमीन छोड़ चुके कवियों से सवाल करते हैं दिनकर, जो आकाश में उड़ते रहते हैं, कल्पना लोक में खोए रहते हैं, जो प्रतीकों को ढूंढते हैं, जो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने विचारधारा की प्रसिद्धि के लिए कविता लिखते हैं, उन सारे कवियों के बारे में लिखते हैं दिनकर, मानो
मनुष्य नीचे हो तुमसे बहुत दूर, तुम मनुष्य से कितने दूर हो जाते हो अपने ही कविताओं में। मानो कोई देवता तुम्हारे हो स्वर में, तुम ऐसा दिखाते हो, एक भाव भंगिमा रचते हो जैसे कि मानो कि तुम्हारे हाथ में एक ईश्वरीय वरदान हो, कोई गॉड गिफ्टेड हो तुम, शायद देवता के वंशज हो तुम, इस तरह की बात। नहीं का रचते हो, रचो मतलब कुहासा, ये ओश भ्रमजाल धुंध, ये सब क्रिएट कर रहे हो क्या? तो करो, किंतु इसका क्या फल होगा? सवाल करते हैं कि इसका फल क्या है आखिर? खुलने के जोखिम से वह तुम्हें बचाती है, खुलने के जोखिम से वह तुम्हें बचाती है। तभी यहां पर बात करते हैं भीतर खुद के आत्मसत्ता पर काम करने की बात करते हैं। जो दुखी होगा वही दूसरों की पीर को समझेगा, पीर पराई जाने सो के जाने, पीर पराई जाके पैर न फटी भी भाई। तो उस कभी ये चाहते हैं कि उस धरातल पे वो जुड़े, जिससे कि खुद के भीतर को पहचानने की स्थितियां बन सके, कभी ये कहते हैं। लेकिन मनुष्य की आभा और सघन होती है। तुम जब ये बात करते हो, कभी कहते हैं, दिनकर कहते हैं कि जब तुम अति मानवीय धरातल की बात करते हो, देवता बनने की बात करते हो, देवता के प्रतिनिधि के तौर पे तुम बात करते हो, आकाश और पाताल को अपने हाथ में लेकर चलते हो, तब कहते हैं कवि कि तुम जो खुलने के जोखिम से बचते हो उसे तो बस मनुष्यता ही सघन होती है। मनुष्य का जो आभा है जिसमें दीन और दरिद्र सब लोग हैं वही सघन होता है। वो कैसे लांग पाएगा उस मनुष्यता के सीमा रेखा को जिसके बाद वो अति मानव कहा जाएगा। कहते हैं लेकिन धरती की किस्मत और भरमाती जाती है। और अगर कोई कवि ऐसा भूमिका बांधे, एक भ्रमजाल बांधे, तब तो पूरी धरती की जो किस्मत है वो तो और रसातल में ही जाएगी। धो डालो फूलों का पराग गालों पर से, कवि यथार्थ के धरातल पर काव्य रचना करने वाले लेखकों को बोलते हैं, कवियों को बोलते हैं, कहते हैं धो डालो फूलों का पराग गालों पर से। कल्पना का जो फूल है गालों पे लगा हुआ उसको धो डालो। आनंद पर से आनंद अपर हटाओ, तो चेहरे पर जो चेहरा ले लिए फिरते हो उसको ऊपर हटा दो जरा। कितने पानी में हो जग इसको भी देखे, तुम पल भर को मनुष्य बन जाओ। तो दिनकर कहते हैं कि कवि होने के धरातल से नीचे उतरकर केवल मनुष्य ही बन जाओ, ये दुनिया देख ले। मनुष्य के धरातल पर आकर जब बात करोगे, मनुष्य बनकर जब बात करोगे तो शायद ईमानदारी आ पाए। आगे है, सच्चाई की पहचान की पानी साफ रहे। सच्चाई की पहचान, सच सच की बात है, सच्चाई की पहचान की पानी साफ रहे। पानी मीन्स जो भाव है, भाव धरातल है, जो चेतना है, जो मन है हमारा, वो मन को यहाँ पानी कहा है कभी नहीं। सच्चाई की पहचान, तुम्हारी सच्चाई की पहचान यही हो सकती है कि तुम्हारा मन साफ रहे, बिल्कुल तुम्हारा जो भाव है, तुम्हारी जो चेतना है वो साफ रहे। कहते हैं जो भी चाहे ले परख जलाशय के तल को, तुम्हारा जो ये व्यक्तित्व रूपी जो जलाशय है इसके जल की गहराई को कोई भी परख ले, ऐसा तुम एक पारदर्शी बनो, ये कहते हैं दिनकर। गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, वही लोग गहराई का भेद छुपाते हैं जो जानबूझ गंदला करते अपने जल को, जो अपने ही व्यक्तित्व को, अपने ही मन को, अपने ही भाव सत्ता को गंदला करते हैं तमाम कचरों से लैस करके। कभी कहते हैं जो सरलता होगी, जो सहजता होगी, उसका मन साफ होगा, उसके जीवन में भटकाव नहीं होगा और वो सच्चे अर्थों में जीवन की बात करेगा। तो यही कविता हमारी समाप्त होती है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अंत में कि ये कविता आज के भी परिस्थितियों से जुड़ती है, जबकि अभी कोरोना संकट चल रहा है, लाखों लोग सड़क पे हैं और भूखे हैं, गरीब हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, तब हमारी सत्ता क्या कर रही है, उस पर भी एक कवि सवाल छोड़ कर जाते हैं आज के संदर्भ में।
जबकि अधिकांश कवि बोलते नहीं है। एक तरह से आपातकाल का दौर है, जबकि कहा करते थे दिनकर, कहते हैं, वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेध की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। बहुत सारे लोग, भूखे नंगे बच्चे रोड पर खाली पैर चल रहे हैं, हजारों हजार किलोमीटर चल रहे हैं, तो उनके लिए दिनकर के मन में पीड़ा है। जो एक बार कभी वो कहते थे, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी संवेदनाओं के साथ दिनकर मानवता के कवि हैं, जीवन के कवि हैं। देश और विदेश में जहाँ कहीं भी ये मानव मन पर या जीवन पर जो त्रासदी का चोट होगा, तो वहाँ दिनकर खड़े हमें मिलेंगे। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।